एंड एज यू नो दिस इज चारणिका। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक यूट्यूब का सबसे चर्चित सब्जेक्ट जो है वेट लॉस। और आज के डेट में अगर मैं वेट लॉस की वीडियो देखने जाऊँ तो मुझे देखने को मिलेगा कोई वीडियो बोलता है कि एक हफ्ते में 5 kg कम कर देगा, कोई वीडियो बोलता है कि इस ड्रिंक को आप पी लीजिए इससे आपका जो वेट है एक हफ्ते में 4 kg कम हो जाएगा, कोई बोलता है कि 5 kg कम हो जाएगा। लेकिन एक बात का आपका ध्यान रखना है कि वेट लॉस कोई मैजिक नहीं है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कैलोरी मैनेजमेंट के ऊपर। सो इसी टॉपिक में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन की साइड में एक छोटा सा बेल बटन होगा उसको भी आपको प्रेस करना है, इससे आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा जब भी मैं कभी नया वीडियोज़ को अपलोड करूँगी। और आपको अगर मेरे वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है, अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ और साथ ही साथ मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस वेट लॉस जर्नी में, तो वो सब बातें भी मैं आप सबके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप मेरी तरह न्यू मॉम हैं और अगर आप मॉम बनने जा रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो ओबेसिटी है उसका रीज़न क्या है, यानी कि आपका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है या आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं या कोई बहुत ज़्यादा मतलब हाई पावर वाला दवाई ले रहे हैं और बहुत सारे कारण की वजह से अगर आपको कोई बीमारी हो तब भी जो है वो कभी कभी ओबेसिटी आ जाता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो ओबेसिटी है उसका रीज़न क्या है। अगर आप आपके ओबेसिटी का रीज़न नहीं जान पाएंगे तो आपका जो वेट लॉस है वो कभी भी आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका जो ओबेसिटी है वो किस वजह से आया है। तो सच में अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ जो डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करेगा वेट लॉस करने में। अगर आप सीरियसली वेट लॉस करना चाहते हैं तो काफ़ी हद तक इस पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो वेट लॉस करने में जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कैलोरी मैनेजमेंट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप कितना कैलोरी दिन भर इंटेक कर रहे हैं, लेकिन कितना कैलोरी आप इंटेक करेंगे ये डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा दिन भर फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप घर पे बैठे हैं टीवी देख रहे हैं या घर में ही आप चल रहे फिर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर घर पर ही रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है घर का बहुत ज़्यादा कामकाज कर रहे हैं, यानी कि आप कोई कपड़े धो रहे हैं या बहुत ज़्यादा घर पे ही आप चल रहे हैं टहल रहे हैं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा कैलोरी का ज़रूरत होता है। तो इसमें भी आपको जो है बहुत ज़्यादा खाना खाने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कैलोरी हमको इंटेक नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है। अगर आप दिन भर बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप कैलोरी इंटेक कर रहे हैं तो कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ जाने का डर रहता है। कितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका कैलोरी मैनेजमेंट। जैसे कि हम सब जानते हैं ओबेसिटी एक मोटापा का प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर आपको ओबेसिटी एक बार आ जाता है तो इसके साथ साथ आ जाते हैं ढेरों सारे बीमारियां जिसको आपको आते साथ साथ ही रोक देना है। तो सबसे पहले हम लोगों को कैलोरी मैनेजमेंट करना है जिसका हम लोग काफ़ी हद तक ओबेसिटी आने से रोक सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को जानना है कि कौन से फूड में कितना कैलोरी रहता है। जैसे कि हम सब जानते हैं हम लोग को ऑयली फूड जो है उसको अवॉइड करना है या कम्प्लीटली बंद कर देना है और साथ ही साथ लो कार्बोहाइड्रेट लेना है, यानी कि जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा कम होता है उस फूड को ज़्यादा मात्रा में इंटेक करना है और साथ ही साथ जो है हम लोग को जंक फूड को अवॉइड करना है या जंक फूड को कम्प्लीटली बंद कर देना है। इससे आपका जो कैलोरी मैनेजमेंट है वो काफ़ी हद तक ठीक रहता है और वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। तो ये रहा मेरा फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड जो पॉइंट है इसमें हम लोग बात करेंगे रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में। सो फ्रेंड्स हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। जैसे कि हम लोग को टाइटल देख के पता चल रहा है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे आपका जो बॉडी है बॉडी माइंड और सब कुछ बिल्कुल ही फिट रहता है। और साथ ही साथ हम लोग अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लेते हैं या कोई भी अगर बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और रेगुलर अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका जो ओबेसिटी है वो आने का बहुत ज़्यादा डर नहीं रहता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा तले हुए फूड खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप जंक फूड खा रहे हैं और अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं तो आपका जो ओबेसिटी है वो बहुत जल्दी आ जाता है। तो इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर आप सीरियसली वेट लॉस करना चाहते हैं
है और अगर आप एक्सरसाइज को स्टार्ट किए हैं तो उसको प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। ऐसा नहीं कि आप हफ्ते में एक दिन जो है बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिए, दिन भर आप वर्कआउट किए और 5 दिन तक आपका जो वर्कआउट है आप नहीं किए, ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आप किसी भी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको आप बरकरार रखिए, इस बात को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसमें हम लोग बात करेंगे अवॉइड ओवर फूड इंटेक, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि हम लोग कभी भी टीवी देखते देखते या मूवी देखते देखते बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग को नहीं खाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग टीवी देख रहे हैं साथ ही साथ कुछ खाना खा रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हम लोग कभी भी जाए, कभी भी शादी पार्टी में जाए या कहीं भी कोई ऑकेशन में जाए या कोई भी ऑकेशन हो घर पर, हम लोग को बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। मैंने देखा है कोई कोई ऐसा होता है जो पेट भर के खाना खाते हैं, पेट एकदम टाइट ठूस के खाना खाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आप सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो आप हेवी मील ले सकते हो, अगर आप दोपहर का खाना खा रहे हो तो उसका जो क्वांटिटी है उसमें आप प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा मात्रा में रखिए, एंड अगर आप रात को खाना खा रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत ही लाइट फूड खाना है। अगर सबसे अच्छा होता है अगर आप शाम के 7 बजे से पहले अगर आप खाना खा लेते हो तो ये बहुत ही अच्छा है आपको वेट मैनेजमेंट करने के लिए। तो डेफिनेटली इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी हम लोग ओवर फूड इंटेक नहीं करेंगे, जितना मात्रा में हम लोगों को खाना खाना चाहिए, जितना मात्रा में हम लोगों को खाना ज़रूरत है हमारे पेट को पेट भरने के लिए उतना ही खाना खाएंगे और बहुत ज़्यादा फूड हम लोग इंटेक नहीं करेंगे। सो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है उसमें हम लोग बात करेंगे नॉलेज अबाउट फूड, तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फूड में कितना ज़्यादा मात्रा में कैलोरी होता है, कौन सा फूड में बहुत ही कम कैलोरी होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस बातों का आपको ध्यान रखना है, और इस बातों का ध्यान रखने के लिए आपको कोई भी डाइटिशियन के पास भी जाने का ज़रूरत नहीं। हम लोग का सबके पास आज के डेट में मोबाइल होता है, कंप्यूटर होता है, तो उसमें भी आप इजीली जान सकते हैं कि कौन से फूड में कितना ज़्यादा कैलोरी होता है या कौन से फूड में कितना कम कैलोरी होता है। तो डेफिनेटली आपको उन सब फूड को इंटेक करना है जिसमें बहुत ही कम कैलोरी होता है, तो डेफिनेटली इसके ज़रिए आप अपना जो वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ आपका जो कैलोरी है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इस बात को भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सपोज आपको एग बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम लोग एग का जो वाइट पोर्शन है उसको हम लोग इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही भारी मात्रा में प्रोटीन होता है, कुसुम होता है, यानी कि एग योक जो होता है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है हमारे हेल्थ के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट होता है। तो बादाम जैसे हम लोग इजीली खा सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट कर रहे हो तो आप बादाम इजीली खा सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और ऑलरेडी आपको ओबेसिटी है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी है, तो डेफिनेटली आपको बादाम भी इंटेक अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में कीजिए, क्योंकि इससे भी जो आपका ओबेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन से फूड में कितना कैलोरी होता है या कौन से फूड में कितना कम कैलोरी होता है, इस बात को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर आप बहुत ही हाई कैलोरी वाला कोई फूड ले रहे हैं तो आपको उस एक्सरसाइज का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, तो आपको इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें हम लोग बात करेंगे वेट मेंटेन को लेकर। पॉइंट देख के पता चल रहा है इसमें हम लोगों को मेंटेन करना है अपने वेट को, तो किस तरह से आप अपने वेट को मेंटेन करेंगे, डेफिनेटली इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप डाइटिंग भी कर रहे हो, साथ ही साथ आपका जो वेट है फिर भी आपका जो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो डेफिनेटली किसी न किसी चीज़ में गड़बड़ है, या तो आप बहुत ज़्यादा फूड इनटेक कर रहे हो और एक्सरसाइज कम कर रहे हो, ये एक रीज़न हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि क्रश डाइटिंग कर रहे हो और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तब भी जो है हम लोगों का वेट जो है बिल्कुल ही कम होने का नाम नहीं लेता है। सो आपको ध्यान रखना है हम लोगों को जो भी हम लोग इंटेक कर रहे हैं उसमें एक बैलेंस रखना है, यानी कि हम लोगों को प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेना है और एक्सरसाइज भी जो है वो भी मीडियम तरीके से करना है। आपका जो कैलोरी मैनेजमेंट है एंड आपका जो वर्कआउट है वो एक ही लाइन पे आना चाहिए, डेफिनेटली इससे आपका जो कैलोरी मैनेजमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, यानी कि आपको बहुत भारी मात्रा में प्रोटीन को खाना है एंड कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करना है, साथ ही साथ अगर आप फैट खा रहे हो तो वो भी बहुत ही कम मात्रा में खाना है। बहुत ज़्यादा हम लोग फैट बिल्कुल ही इंटेक नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं तो डेफिनेटली आप बटर या नट्स वगैरह खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी ओबेसिटी का प्रॉब्लम है तो इन सब चीज़ों का आप
अवॉइड कीजिए। एंड अगर आप शुगर भी इनटेक करना चाहते हैं तो लो कैलोरी वाला शुगर लीजिए। कभी भी आपको नॉर्मल वाइट जो शुगर होता है उसको आपको इनटेक नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड, इसके बाद हम लोग जिस पॉइंट में बात करने वाले हैं वो पॉइंट है ड्रिंकिंग वाटर रेगुलरली। यानी कि आपका जो पानी है उसको आपको रेगुलरली बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना है। कभी कभी मैंने देखा है कि हम लोग का उम्र का जो लड़की लोग होता है बहुत ही कम मात्रा में पानी पीते हैं। इसकी वजह से किडनी में स्टोन वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को लड़की लोगों को फेस करना पड़ता है। तो अगर आप मेरी तरह न्यू मॉम बने हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है, क्योंकि हम लोगों का जो बॉडी है उस जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तब भारी मात्रा में हम लोगों का बॉडी में जो है टॉक्सिन आ जाता है और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी उस टाइम पे होता है, जिसकी वजह से जो हम लोगों का जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा फैटिक हो जाता है। तो जब हम लोग एक बच्चे को जन्म दे देते हैं उसके बाद में धीरे धीरे हम लोगों का जो वेट लॉस है वो होने लगता है। तो हम लोगों का जो वेट लॉस है, हम लोगों का बॉडी का जो टॉक्सिन उस टाइम पर जो जमा होता है वो किस तरीके से हम लोगों का बॉडी से निकलेगा, और जिन लोगों का बॉडी ऑलरेडी फैटिक हो चुका है उन लोगों का जो वेट है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो डेफिनेटली हम लोग को इस टाइम पे वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना है, क्योंकि हम लोग का बॉडी का जो टॉक्सिन है वो स्वेट एंड यूरिन के दौरान ही बाहर निकलता है। क्योंकि हम लोग का बॉडी का जो टॉक्सिन होता है वो स्वेट एंड यूरिन के साथ ही जो है वो बाहर निकलता है। तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि इस टाइम पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है एंड पानी जो है रेगुलरली पीना है। एंड आप कोल्ड वाटर बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि मैंने देखा है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर आप भरपेट खाना खा रहे हो और उसके साथ एक बोतल आपने ठंडा पानी पी लिया तो आपका जो वेट है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर आप रात के डिनर कर रहे हो या लंच कर रहे हो उसके बाद आप कम से कम एक गिलास आप हॉट वाटर लिक्विड वाटर जो होता है वो उसको आप पी लीजिए, इससे आपका जो वेट है वो डेफिनेटली रिड्यूस होगा। और अगर आप हमेशा जब आपको प्यास लगे तब आप अगर लिक्विड वाटर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपको वेट के लिए। अगर आप डेफिनेटली वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए और लिक्विड वाटर को जो है हमेशा इंटेक कीजिए। जब भी आपको प्यास लगे तभी आपको लिक्विड वाटर ही पीना है, तो इससे डेफिनेटली आपका जो वेट है वो बहुत ही जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। जब मैं प्रेग्नेंट हुई उसके बाद जो मेरा जो वेट है वो महीने में 3 किलो तक 2.5 किलो तक वेट बढ़ रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था कि मैं अपने वेट को कैसे मैनेज करूँगी फ्यूचर में। लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि गर्म पानी पीने के लिए, तो मैंने देखा इससे मेरा जो वेट है वो रिड्यूस करने में, वेट लॉस करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिला है। सो डेफिनेटली इस पॉइंट को भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये डेफिनेटली आपको काम आने ही आने वाला है। तो फ्रेंड, इसके बाद हम लोग का जो पॉइंट है उसमें हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में। तो किस फूड में कौन सा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, कितने मात्रा में, कौन से फूड में कौन से विटामिन और मिनरल्स होता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स का ज़रूरत होता है। जब हम लोग लड़की लोगों को अगर खासकर 30 एज के बाद जो होता है हम लोगों का जो होता है बॉडी का जो हड्डी का जो बोन्स का जो कैल्शियम होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अगर आपको इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का ज़रूरत है, साथ ही साथ बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स का भी ज़रूरत होता है, सो इस टाइम पे अगर आप ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा मात्रा में खाएं तो ये आपके स्किन के लिए, बॉडी के लिए एंड बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ आपको विटामिन B12, विटामिन B6 एंड जिंक एंड बहुत सारे जो विटामिन मिनरल्स जो वैल्यू होता है वो बॉडी को ज़रूरत होता है। तो डेफिनेटली इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कौन से फूड में विटामिन एंड मिनरल्स जो बहुत ही भारी मात्रा में है, तो उन सब फूड को इस टाइम पे आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है, इससे आपको जो वेट लॉस है उसके करने में डेफिनेटली मदद मिलने वाला है। उसके बाद मेरा जो पॉइंट है उसमें हम लोग बात करेंगे बॉडी शेपिंग को लेकर। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है हम लोगों का जो लड़की लोगों का जो बॉडी होता है कभी कभी एक ही पोर्शन में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, यानी कि हम लोगों का थाइस हो या बम्स हो उस जगह पे जो है बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है। तो उस जगह का जो पर्टिकुलर जगह का जो फैट है तब हम लोगों को उस टाइम पे पर्टिकुलर उस जगह का जो फैट है उसको रिड्यूस करने का ज़रूरत होता है। तो इसके लिए जो है यूट्यूब में तरह तरह की वीडियोज़ है उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर उसी जगह का फैट को कम करना है तो आप जो है
उसी जगह का पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको थाइस में बहुत ज़्यादा फैट है तो थाइस का एक्सरसाइज आप ज़्यादा मात्रा में कीजिए। इसका जो इससे आपका जो है वेट लॉस करने में मदद मिलेगा और साथ ही साथ आपका जो बॉडी है उसको एक परफेक्ट शेप मिलेगा। सो फ्रेंड, इसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड जंक फूड। जो भी जंक फूड खा रहे हैं उसको आपको टोटली स्किप करना है, आपको जंक फूड खाना टोटली बंद कर देना है। अगर आप पिज़्ज़ा खाना पसंद है, आपको अगर बर्गर खाना पसंद है, अगर आपको कोका कोला खाना पसंद है, आपको चिप्स खाना पसंद है, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो टोटली इस सब फूड को आपको बंद कर देना है, क्योंकि मैंने देखा है कि इससे हमारा जो वेट है वो बहुत जल्दी गेन हो जाता है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे बैड केमिकल्स भी मिक्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। सही मात्रा तक हम लोगों का जो बॉडी है उसमें हम लोग ऑयल इंटेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग ऑयल इंटेक करते हैं, यानी कि हम लोगों को जितना कैलोरी का ज़रूरत होता है उतना कैलोरी से ऊपर हम लोग अगर कोई भी फूड खाते हैं तो हम लोग का बॉडी में जो कैलोरी है वो फूड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली जंक फूड को आपको बिल्कुल ही अवॉइड कर लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये रहा कुछ पॉइंट्स। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये कुछ पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी हद तक आपको वेट लॉस करने में मदद मिलेगा। एंड इसके बाद में अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो डेफिनेटली जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरा जो वेट था वो कम से कम महीने में 2 से 3 kg तक बढ़ रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मैं अपने वेट को कैसे मैनेज करूँ। तो उसके बाद मैं बहुत सारे नेट्स में सर्च करने लगी कि मेरा जो वेट है इतना जल्दी क्यों गेन हो रहा है। उसके बाद मुझे पता चला कि इस टाइम पे जो लड़की लोगों का जो बॉडी है उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उस टाइम पे हम लोग जो है बहुत ही हाई पावर वाला दवाई लेते हैं, जिसकी वजह से भी जो होता है हम लोगों का बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोगों का जो वेट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ हम लोगों का जो पेट में है वो बेबी भी रहता है, बेबी का भी जो वेट है वो धीरे धीरे मैं 1 महीने के बाद 2 महीने 2 महीने के बाद 3 महीने हम लोग बेबी का जो वेट है वो भी बढ़ने लगता है। तो डेफिनेटली इसकी वजह से भी जो है वेट गेन होता है। तो इस टाइम पर वेट गेन होना ही डॉक्टर लोग सही मानते हैं। अगर इस टाइम पर आपका वेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो डेफिनेटली ये बहुत ही नेगेटिव सिग्नल है, ये बहुत ही ख़राब सिग्नल है, ये बॉडी के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं। तो डेफिनेटली इस टाइम पे हम लोगों का वेट बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी हम लोगों को वेट बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जिन सब लड़की लोगों का जो है प्रेगनेंसी के दौरान वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उन लोगों को डिलीवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों का जो वेट है उसको हम बहुत ज़्यादा भी बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन डेफिनेटली मुझे पता है कि इस टाइम पे आपके हाथों पे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दवाई खाना पड़ता है और साथ ही साथ ठीक से नींद भी नहीं होता है, ठीक से हम लोग चल फिर भी नहीं सकते हैं, रात को भी जो है सो नहीं पाते हैं, यानी कि यहाँ तक सांस लेने में भी तकलीफ होता है। तो इस टाइम पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फूड इंटेक नहीं करेंगे, बहुत ही कम मात्रा में इस टाइम पे आपको फूड को इंटेक करना है। डेफिनेटली जिस फूड को आप इंटेक कर रहे हैं उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स का ज़रूरत होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इस टाइम पर जो है केला अगर आप ज़्यादा मात्रा में इंटेक करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, केला से जो है वो वेट डेफिनेटली बढ़ता है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो डेफिनेटली आप केला खा सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो डेफिनेटली केला को आप अगर अवॉइड करें तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे जो आपका वेट है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो अगर मेरी तरह आप न्यू मॉम बने हैं तो डेफिनेटली अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अगर आप वर्कआउट करते हैं तो डेफिनेटली आपको मदद मिलने वाला है, क्योंकि जब मेरी बेटी का जन्म हो गया था उसके बाद 3 महीने बाद से मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था और मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं वर्कआउट कर सकती हूँ या नहीं, तो डॉक्टर ने बोला कि आप डेफिनेटली वर्कआउट कर सकते हैं। तो तब से मैंने जो है वर्कआउट स्टार्ट किया है, सो टिल डेट तक मैं वर्कआउट करती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी वर्कआउट जो है मिस हो जाता है, क्योंकि मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, उसको भी संभालना पड़ता है और घर का जो कामकाज है उसको भी संभालना पड़ता है एंड यूट्यूब चैनल है उसको संभालना पड़ता है, तो बहुत सारे बातें जो है दिमाग में चलता रहता है, कभी कभी जो है एक्सरसाइज मिस हो जाता है। लेकिन 1 दिन 2 दिन मिस हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको जो वर्कआउट है उसको आप रेगुलरली करना है। बहुत सारे जन ऐसे पूछते हैं कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं लेकिन फिर भी हमारा जो वेट है क्यों वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। इसका रीज़न है बहुत ज़्यादा कैलोरी आप इंटेक कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आप जंक फूड खाते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि जंक फूड में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी होता है
है जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अगर आप बहुत हाई कैलोरी वाले फूड खा रहे हैं, तो भी आपका जो वेट है वो कम नहीं होने वाला है। तो डेफिनेटली इस बात को आपको ध्यान रखना ही रखना है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो वेट लॉस के ऊपर, और आपके लिए ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इजीली अपने वेट को मैनेज कर सके एंड कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जान सके। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।